इतनी बड़ी कार्रवाई की टेप की, क्या मामला है सर ये? सर हमारे ऑफिस में आज एक परिवादी आया था, किसान था वो, और उसने बताया था कि सर मेरी जो ज़मीन है नॉर्दर्न बाईपास निकला हुआ है बल्लोप से और गामज तक का, उसमें मेरी करीब 3.35 हेक्टर ज़मीन है जो एक्वायर हो गई है, और उसका सर्वे भी हो गया है। सर्वे होने के बाद भी 3 साल से हमको कोई मुआवजा नहीं मिला, और मुआवजे की सारी प्रक्रिया हम कर चुके हैं। तो जो ADM सीलिंग कार्यालय में जो पदस्थापित पहले जो संविदा कर्मी था प्रभाकर शर्मा, ये बार बार आता है, कहता है कि तेरे खाते में पैसे डलवा देंगे, तो हमको 2.5 लाख रुपये दे देना। तो इस आरोपी के कहे अनुसार कल परिवादी खाते में करीब 36 लाख रुपये का मुआवजा जमा हो गया। जमा होने के बाद इसने आरोपी ने संपर्क किया और बार बार दबाव बनाया कि मेरे को 2.5 लाख रुपये दे। तो परिवादी ने हमारे यहाँ शिकायत किया, शिकायत के बाद हमने आज ही सत्यापन कराया और आरोपी 1 लाख रुपये लेने 2 लाख रुपये लेने के लिए परिवादी के घर पर ही चला गया, लेकिन परिवादी के पास 2 लाख रुपये नहीं होने की वजह से 1 लाख रुपये लेते हुए इसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, और रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और कौन कौन इन्वॉल्वमेंट। सर कितने परसेंट मांगा गया था इसमें? 35% मांगा था इसमें जी, 35% कमीशन। घर की भी जांच की आपने, कुछ दस्तावेज कैसे वाकई कल मुआवजा आएगा उसके खाते में? सर ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इसके संविदा से हटने के बाद भी इसको इतना नॉलेज थी कि भाई इसके खाते में कल पैसा जाएगा, इसी पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सारा रिकॉर्ड जब्त कर रहे हैं।